Hello everyone, welcome to my channel. So, today we will discuss the activity 13.1 that has been given in the sound chapter that is given in the NCRT science book of grade 8, that is, chapter name is sound.

आपकी मम्मा चाय बनाती हैं राइट सो ये क्या है इसको आप जो है एक सो कन्वीनियंट प्लेस के साथ जो है इसको इसको जो है हैंग कर लेना है ताकि ये किसी दीवार के साथ किसी और ऑब्जेक्ट के साथ टच ना करे इट शुड बी हैंगिंग इन द एयर सो एज इट हैज़ बिन शोन इन द फिगर थर्टीन पॉइंट टू राइट नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्ट्रेक तो जो है आप इसको जो है पीछे से जो है ज़ोर से हिट करोगे तो जो है आपको एक साउंड सुनाएगी राइट तो जैसे ही वो आपको साउंड सुननी शुरू हो जाती है तो आप क्या करेंगे अपने हैंड को जेंटली जो है अपनी फिंगर्स हम कह सकते हैं कि अपनी फिंगर्स से जो है जेंटली इसको टच करें क्या आपको वाइब्रेशन फील हुई अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग डू यू स्टिल हीयर द साउंड अब आपने क्या करना है जो, अब जो दोबारा फिर उसको स्ट्राइक करें प्लेट को विद दिस स्टेक एंड होल्ड इट टाइटली तो अब जो क्या करना है उसको टाइटली होल्ड कर लेना जैसे ही आपने स्ट्राइक करना है डू यू स्टिल हेयर द साउंड आपको साउंड तो सुनेंगी लेकिन साथ में जो है आपको जो उसकी वाइब्रेशन है महसूस भी होंगी टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड अब जब है उसमें जो है वाइब्रेशन फील जो है होनी बंद हो गई है अब दोबारा उसको टच करें कैन यू फील द वाइब्रेशन आउ नहीं अब उसमें आवाज़ नहीं प्रोड्यूस होगी तो इसमें ऑब्जर्वेशन हमारी क्या हुई हमारी ऑब्जर्वेशन ये हुई कि साउंड इज प्रोड्यूस वेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट राइट जब भी कोई चीज ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तभी वो साउंड प्रोड्यूस करेगा सो द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज द वी कैन हियर द साउंड ओनली वेन द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस वाइब्रेशन राइट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग